देख रहे हैं न्यूज इंडिया 20.7 का वीकेंड का हमारा शो और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आज मैं कहीं घूमने नहीं आई, जहां पानी में डूबकर मैं आराम से पानी के मजे ले रही हूं। आज मैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में खड़ी हूं और ये वो दिल्ली है जहां से पूरी देश की सत्ता चलती है। ये पानी भरने का सिलसिला तकरीबन एक हफ्ते पहले से शुरू हुआ, उसके बाद आज तकरीबन एक हफ्ते बाद भी आप देखिए दिल्ली के इस मेन चौराहे जिसे ITO कहा जाता है, वहां का पानी घटने का नाम नहीं ले रहा है। हम यह खबर इसीलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि दिल्ली से हम पूरा देश जुड़ा है, यहां वो सुपर पावर्स बैठती हैं जिनसे सवाल पूछना हम सब का काम है। मैं जैसे ही यहां इस पानी में उतरी, मैं तुरंत यहां पे सिर्फ पानी नहीं भरा, यहां बड़े बड़े गड्ढे हैं और जैसे ही मैं इस पानी में कूदी हूं वैसे ही मैं इस गड्ढे में भी गिर गई। मैं अपने कैमरा पर्सन मनीष से कहूंगी एक बार जल्दी से मुझे दिखाएं और दिखाएं कि कैसे दिल्ली में सिर्फ पानी ही नहीं भरा, बड़े बड़े गड्ढे, सांप और तमाम न जाने पानियों में क्या कुछ तैर रहा होगा। मैं तो भीगी चुकी हूँ, लेकिन जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो यमुना के किनारे रह रहे हैं, जो उन इलाकों में रह रहे हैं जहाँ पानी गर्दन तक है, और ऐसे में वो कैसे जी रहे होंगे। दिल्ली में पिछले 48 घंटों से पानी की भारी किल्लत है। कहा जा रहा है पानी का सप्लाई जब तक वाटर ट्रीटमेंट जहाँ से हो रहा है उसकी पानी को नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक सप्लाई की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं काम करेगी। साथ ही ये भी कहा गया के दिल्ली में जो रेगुलेटर्स हैं जहां से पानी का फ्लो जाता है वो भी बंद पड़े थे। सेना के जवान तकरीबन 2 दिनों से इन रेगुलेटर्स को ठीक करने में लगे हैं, लेकिन इन सब के बीच राजनीति भी बहुत भयंकर तौर पर दिल्ली में होते देखी जा रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि दिल्ली सरकार की नाकामी है, तो वहीं मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि केंद्र सरकार ने जानबूझ के दिल्ली को डुबो दिया है। अब इन सब के बीच में, इन तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच में दिल्ली के लोगों का क्या होगा, ये सवाल आप पर है। आज इस पर हम चर्चा करेंगे, तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट कि आखिर दिल्ली को आपको इसी विषय पर चर्चा करने के लिए तमाम लोगों से मिलवा देते हैं जो अलग अलग पार्टियों से हमारे साथ ITO के इस मतलब दिल्ली के मेन चौराहे पर हमारे साथ खड़े हैं। आज हमारे साथ ऋषभ तिवारी प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ संजीव नसीर प्रवक्ता आम आदमी के होंगे, हमारे साथ मोहम्मद आसिफ नेता कांग्रेस के होंगे, मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, डॉक्टर नंद कुमार भटनागर पूर्व DIG NDRF के हमारे साथ से पहला है वो आदमी पार्टी संजीव क्योंकि आपसे सवाल पूरी दिल्ली पूछ रही है, पूरी दिल्ली में भारी आक्रोश है, जिनके घर डूब गए। लोग कह रहे हैं दिल्ली के कि जब पार्टीशन हुआ था इंडिया का और पाकिस्तान का, उसके बाद हम सब कुछ खोकर यहाँ आए थे, आज एक बार फिर से दिल्ली ने हमसे सब कुछ छीन लिया। बिल्कुल आप प्रीति जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दिल्ली वाले बहुत रोष में है, और रोष किस बात का है कि ऐसी क्या वजह है कि पिछले 6 दिन से दिल्ली में एक बूंद भी बारिश नहीं हुई है, फिर भी यहाँ पे बाढ़ आई हुई है। बाढ़ एक साजिश के तहत प्रायोजित बाढ़ है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हथनीकुंड बैराज पे जो पानी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, बैराज का मतलब ये है कि वहाँ से मॉनिटर होता है पानी कहाँ से कितना छोड़ना चाहिए, कब छोड़ना चाहिए, बावजूद इसके कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पत्र लिखा देश के गृह मंत्री को, लेकिन उस पर राजनीति करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग एक साजिश के तहत जो हरियाणा सरकार में बैठे हुए लोग हैं उन्होंने उस पानी को, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि रेगुलेटर्स जो थे पानी को, जो पानी को ड्रेन आउट करती है वो जाम थे, NDRF और हमारे सैनिक उसे खोल रहे हैं। बिल्कुल सैनिक हमारे देश के हैं जो पानी हथनीकुंड रेगुलेटर्स की मरम्मत क्यों नहीं। अब मैं वही बता रहा हूँ आपको, वो हरियाणा के वो 5 गेट जो जाम है वो हरियाणा सरकार के कंट्रोल में है, नंबर 1। नंबर 2, हथनीकुंड बैराज से जब पानी छोड़ा गया तो वो पानी को जो रेगुलेट करने के लिए बैराज बनाया जाता है वो वेस्टर्न जो कैनाल थी उसमें, ईस्टर्न कैनाल उसमें अगर मिलके छोड़ा जाता तो शायद ये दिल्ली वालों के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन दिल्ली वालों के साथ एक साजिश के तहत आज कैसे ईस्टर्न कैनाल में पानी छोड़ दिया गया। हमारे साथ बीजेपी के भी प्रवक्ता है हमारे साथ, और ऋषभ तिवारी हैं। हम चांद पर जाने की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चांद पर जाने की बात करते हैं, लेकिन आज भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पानी में डूब रही है, क्या कहेंगे? देखिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज ये समय नहीं है गंदी राजनीति करने का, लेकिन जो लोग इस पे गंदी राजनीति कर रहे हैं समाधान देने के बजाय उस पर सवाल तो खड़ा होंगे।
हर वक्त देखा गया है, जब भी दिल्ली के अंदर कुछ भी विपदा आती है, कुछ भी बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी की गलती, आम आदमी पार्टी वाले कह रहे बीजेपी की। देखिए गलती किसकी है वो जनता समझ रही है। हर आप एक चीज पे आरोप भारत सरकार पे, मोदी सरकार पे, भाजपा पे डालेंगे तो आप मुख्यमंत्री क्या चना बेचने के लिए बने हैं? आपको जनता ने क्या चना बेचने के लिए बनाया है? केवल शीश महल बना लेते हैं उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं रोकती है, लेकिन दिल्ली का पानी निकालने के लिए आपको भारतीय जनता पार्टी रोक दे रही है। शीश महल पर लंबे लंबे पर्दे लगा देते हैं उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं रोकती है, लेकिन दिल्ली को साफ रखने के लिए आपको भारतीय जनता पार्टी रोक देती है। तो ये दोहरा चरित्र जनता देख रही है। आज बहुत दुर्भाग्य है, 14 साल हो गए मुझे भी रेगुलर लंबर दिल्ली में रहते हुए, दिल्ली झारखंड करते हुए पहली बार ये दशा और दिशा जो यहाँ की राजनीति का है मैंने देखा है। आज कांग्रेस पार्टी में आती हूँ, मैं आती हूँ कांग्रेस पार्टी भी हमारे साथ है। मैं तो नहीं, ऐसे तो करप्शन का मुद्दा हो या फिर देश में कुछ भी हो रहा हो, कांग्रेस पार्टी झंडा डंडा लेकर पहुंच जाती है। आज दिल्ली डूब रही, कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस आपके सामने खड़ी है ना, किस तरीके से पानी में खड़ी है, किस लिए? जनता की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग खड़े हैं। आज की हमने देखा, कल एलजी साहब और मुख्यमंत्री दोनों मिलके बाहें बाहें डालकर दिल्ली की जनता की बात कर रहे थे। अब इस काम को अगर 8 दिन पहले कर लेते तो देश की जनता, दिल्ली की जनता पानी से तराता नहीं होती। आज हालत ये नहीं होते, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए पानी नहीं है, और काम जिम्मेदार जिम्मेदार दिल्ली सरकार भाजपा दोनों है। दोनों मिलके जो आपदा आई है, आपदा का पहले से मालूम हो गया था, हिमाचल में और उत्तराखंड में बारिश के क्या हालात है ये मालूम था। मालूम होने के बाद में इन्होंने दोनों ने मिलकर कुछ नहीं किया, चिट्ठी पिट्ठी इट्टी पिट्टी खेलते रहे दिल्ली की बारिश में। देखिए बड़ा निराशाजनक है, हमें ये देखना होगा कि क्या वास्तव में हिमाचल और उत्तराखंड में पिछले वर्षों के पिछले 20-30 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है, और अगर टूटा है इसका ये मतलब स्पष्ट है कि बारिश ज्यादा हुई है। अब 9 साल दिल्ली में शासन करने के बाद भी अगर ड्रेन सिस्टम नहीं बना, प्रीति जी ये आज की बात नहीं, हर साल ऐसा होता है, कनॉट प्लेस में पानी भरता है, मिंटो रोड में बसें डूब जाती हैं, ड्रेन सिस्टम आज तक नहीं बना। मैं समझता हूँ बिना विभाग के मुख्यमंत्री, जिनके पास कोई भी जिम्मेवारी लेने का मन नहीं है, ऐसे मुख्यमंत्री ने अगर यहाँ दिल्ली में कोई काम नहीं किया तो उनको क्षमा मांगनी चाहिए, बजाय क्षमा मांगने के वो आरोप लगा रहे हैं। और ऐसा कोई नई बात नहीं है, पहले भी भ्रष्टाचार के मामलों में और मामलों में अकर्मण्यता दिखाते रहे हैं। और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वाले मुख्यमंत्री अगर आज अपने काम पर उन्हें क्षमा नहीं मांगते हैं तो दिल्ली की जनता उन्हें क्षमा कर देगी। बहुत अच्छी बात है, आप एक्सपर्ट के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के दो प्रवक्ताओं से पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक स्पष्ट करना चाहता हूँ, यह यहाँ मैनेजमेंट की, सुनिए आप, यहाँ मैनेजमेंट की, यहाँ मैनेजमेंट की फेलियर नहीं है। यहाँ पे 6 दिन से कोई बारिश नहीं हुई है। अरे देख लिया मैंने, दिल्ली की जनता ने भी आना देख लिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं। हमारा एक एक MLA बिल्कुल देश दिल्ली की जनता का, दिल्ली जनता से जो बदला लेने की भावना से एक कॉन्स्पिरेसी के तहत हम लोगों के एक एक MP, हमारा एक एक MLA, हमारा एक एक मंत्री, हमारे साथ एक और मेहमान डॉक्टर नवीन कुमार भटनागर भी हैं, पूर्व DIG NDRF हमारे साथ। डॉक्टर नवीन कुमार भटनागर, पूर्व DIG NDRF के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपसे भी एक सवाल है, सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है, बताइए। देखिए यहाँ पे हाँ आ रही है, आप जो दिल्ली वासी ही हैं, मैं इनसे बात करने की भी कोशिश करूंगी। आप दिल्ली में रहते सर? आप हेलमेट हटाइए। दिल्ली में रहते जी, लक्ष्मीनगर। लक्ष्मीनगर में आपको दिल्ली में कभी भी आपने दिल्ली को ऐसे देखा था? नहीं बिल्कुल नहीं देखा ऐसे, नहीं। पहली बार क्या बदलाव दिख रहा? मैं 2010 में देखा था ऐसा, उसके 2010 में देखा था, 2010 में देखा था ऐसा पानी, उसके बाद आज देख रहे हैं 2010 के बाद। हाँ जी, कौन है जिम्मेदार? सरकारी है। कौन सर? केजरीवाल ही है, और कौन है जिम्मेदार है? ठीक है, अभी तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है, कोई कह रहा है केंद्र सरकार जिम्मेदार है। हमारे साथ NDRF के गेस्ट भी हैं, उनके पास चलते हैं, उसके बाद आज हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि आखिर दिल्ली को कौन डुबा रहा है, और साथ ही जिम्मेदार कौन है, और दिल्ली की जनता जो डूबी है उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है। हमारे साथ डॉक्टर नवीन कुमार भटनागर, पूर्व DIG NDRF। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे जी। सर तैयारियां क्या कैसी होती हैं अमूमन
जो स्मार्ट सिटीज़ होते हैं, दिल्ली को स्मार्ट सिटी में गिना जाता है, मानसून के पहले तैयारियां की जाती हैं, आपको क्या लग रहा है कहां सरकार फेल साबित हुई है? एक्चुअली क्या है कि हर साल बाढ़ आती है, तो उसके लिए हम लोग अप्रैल महीने से जो तैयारी शुरू कर देते हैं। इसके लिए जो है क्राइसिस मैनेजमेंट टीम होती है और इनका एक्शन प्लान बनता है, क्या तैयारी में कमी रह गई है, कैसे हमें पूरा करना है, और इसके अंदर सारी फोर्सें होती हैं, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और सेंटर की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, पुलिस और दीगर सभी फोर्सें और अथॉरिटी साथ रहती हैं। वो प्लान के ऊपर चर्चा होती है और उस पर बजट अलॉट होता है और उसके अकॉर्डिंगली, जैसे नालों की सफाई है, कैनाल को एक दूसरे से मिलाना है, जोड़ना है, उसके बाद कहाँ पर आपको वाटर को स्टॉप करना है, कौन सा गेट खोलना है, उसका गेट को खोल के एक्सरसाइज करके उसमें ऑयलिंग करना है, चेक करना है, ये सारी कार्रवाई बारिश या बाढ़ आने से पहले होना चाहिए, जो इस बार नहीं करी गई है। और मैं बड़े जिम्मेदारी रेगुलेटर्स की बात आ रही है सर, रेगुलेटर्स की बात आ रही है कि हमारे जो सेना के जवान हैं वो रेगुलेटर्स की बात आ रही है कि हमारे जो सेना के जवान हैं वो रेगुलेटर्स ठीक कर रहे हैं। क्या वाकई में जहाँ से पानी ड्रेन आउट होती है उसके रेगुलेटर्स तक खराब थे दिल्ली में? जाम हो गए थे, एक्चुअली वो जाम हो गए थे कई सालों से, उसमें जो है ग्रीसिंग ऑयलिंग और उसको रख रखाव नहीं किया गया, मेंटेनेंस, जिसके चलते ये प्रॉब्लम हुई, अदरवाइज कुछ नहीं होना था। अगर पानी को अपना कैनाल मिल जाता, पानी को अपना रूट मिल जाता तो वो आगे फ्लो हो जाता, लेकिन यहाँ ये नहीं हुआ। दूसरा, जो पानी जो आपका ड्रेन से मिला उससे बैकलॉग मारा और उससे कॉलोनियों में और चारों तरफ पानी पानी फैल गया। तो अगर आप पानी के रास्ते में, लोगों ने एंक्रोचमेंट भी किया हुआ है पूरा जो है ना, पता नहीं कहाँ से लोग आ गए और अपने फार्म हाउस और अपने मकान सब यमुना बेड पे बना लिए। अब भाई वो तो पानी है, उसे तो नहीं पता, वो तो अपना एरिया कवर करेगा ही और उसने ये डैमेज किया। ठीक है, हमारे साथ तामा एनडीआरएफ के हमारे साथ ऑफिसर हैं, वो कह रहे हैं कि रेगुलेटर्स की साफ सफाई टाइम से नहीं हो पाई है जिसकी वजह से भी ये हाल है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि समय समय पर रेगुलेटर्स की सफाई की जाए, देखरेख की जाए। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, क्योंकि सरकार जो है, क्योंकि वो हरियाणा सरकार के अंडर था, सरकार के, हरियाणा सरकार की एक जिम्मेवारी बनती थी, उन्होंने वो जिम्मेवारी निभाई। और सबसे बड़ी बात क्या है, हम लोग राजनीति कर रहे हैं, हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक एमएलए, एक एक काउंसलर जनता की सेवा में लगा हुआ और दिल्ली की जनता देख रही है। 1978 में जिस लेवल पे पानी आया था उसके बाद जितनी तबाही हुई थी, आज दिल्ली की कम से कम हमारे जो यमुना केंद्र सरकार है। मैं ये मानता हूँ डेफिनेटली जो भारतीय जनता पार्टी ने गंदी राजनीति के तहत वहाँ से पानी गलत तक की केंद्र सरकार हुई ना। देखिए प्रीति जी, नहीं मैं बता रहा, इतने चतुर मुख्यमंत्री वो हैं कि उनको पता है कि दिल्ली में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट केंद्र सरकार का अलग अलग चीज में कहीं ना कहीं रहता है, तो वो इतने निश्चिंत होकर अपना शीश महल बनाते हैं कि जनता को बेहाल छोड़ देते कि बाद में तो इल्जाम हमको देना है, हम अटके रहेंगे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री झूठा है। वो मुख्यमंत्री है जो जनता को छल कर भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाकर केवल गंदी राजनीति करके आया और ओछी राजनीति करते हुए आज दिल्ली की जनता को पानी। आप ये बताइए, दिल्ली के 7 MP का है, दिल्ली के तीनों राज्यसभा MP जो 3 आम आदमी पार्टी के और जहाँ के क्षेत्रीय MLA, किसी ने अगर उसकी फोटो देखी हो, रोड की तो अलग बात है, वो बता दे आके अखबार में दे दे कि मैंने ये फोटो देखी काम करते हुए। ये झूठे आम आदमी के लोग, ये झूठे जी जी, नहीं कांग्रेस बिल्कुल ठीक कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास तो कुछ खोने के लिए है ही नहीं। कांग्रेस ना दिल्ली की जनता के साथ है, ना आज टाइमली निर्णय ले रही, आप उसका छोड़िए, आज दिल्ली की जनता को देखिए, जिस कांग्रेस को ये कांग्रेस की बुराई कर रही है उसी कांग्रेस के गोद में घुसना चाहते हैं। राहुल गांधी टाइम मांग रहे हो, राहुल गांधी टाइम भी नहीं दे रहा आपको। अरे भैया कुछ तो राहुल गांधी की छोड़िए, जनता की। अरे अगर पॉल्यूशन, सुनिए, अगर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हरियाणा ने कर दिया, अरे पॉल्यूशन की प्रॉब्लम तब भी ये है, ऑडिवन चलाया आपने। अरे देखिए समस्या ये है, कई सारे लोग हैं जो यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ लोग हैं जो हंस भी रहे, आपको, आप लोगों को क्या लग रहा है, यहाँ कुछ मजाक चल रहा है सर? दिल्ली डूब रही है, आप लोग जिम्मेदार नागरिक हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, लेकिन हंसना, अगर आप हंस रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं तो इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ भी नहीं है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया 24/7 के हमारे प्राइम टाइम वीकेंड के प्राइम टाइम में। लेकिन आप देखिए इस वक्त मैं आईटीओ पर हूँ और डिबेट में एक बार फिर से मैं वापस जाऊँ, उससे पहले मैं आपको दिखा देना हमारे साथ कैमरा पर्सन मनीष है। मनीष जरा दिखाइए, ये आईटीओ का इलाका है जिसे आज देश के लोग पहचान नहीं रहे होंगे, घुटने तक से ऊपर का पानी है यहाँ पर। और ये देखिए, ये सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि यहाँ से तकरीबन 1-2 किलोमीटर तक पूरा ये मेन रोड है वहाँ पानी भरा हुआ है। आसपास यहाँ देखिए, ये पूरा का पूरा ये कहा जाता है कि यहाँ ये ऐसा इलाका है जहाँ से यहाँ आसपास तमाम बड़े बड़े वो संस्थान उनकी बिल्डिंगें हैं जहाँ से देश को रेगुलेट किया जाता है। और जिस तरीके से यहाँ आज पानी भरा है, तकरीबन 100 दिन हो गए दिल्ली में, दिल्ली के तमाम इलाकों में जहाँ पर पानी भरा है उससे जवाबदेही आखिर किससे बनती है, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हुए हैं, जल्दी से उनके पास चलेंगे और लगातार आपको तस्वीरें भी हमारे कैमरा पर्सन दिखा रहे होंगे, क्योंकि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम बताएं कि सच्चाई क्या है, दिल्ली को आखिर किसने डुबोया है, साजिश किसकी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे पर यह आरोप मढ़ रहे हैं कि केंद्र सरकार एक तरफ से इस दिल्ली को डुबाने की जिम्मेदारी ले और दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में बाढ़ को झोंकने की पूरी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की है। इस पर हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं, उनके पास एक बार फिर से चलेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, दिल्ली की जनता जानती है, देश की जनता जानती है कि पिछले 6 दिन से अगर दिल्ली में एक बूंद भी बारिश नहीं हुई है और बारिश के पानी की मैनेजमेंट सीधा सीधा दिल्ली सरकार के पास है, क्योंकि एमसीडी हमारे पास है, दिल्ली सरकार हमारे पास है। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा से और ऊपर से जब पानी आया है और एक बैराज जब बनती है, हथनीकुंड बैराज का मतलब यह है कि वहां से पानी रेगुलेट होता है। रेगुलेट का मतलब ये नहीं वो होल्ड करें, वो तीन जगह। लेकिन 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 मानसून जब भी आता है दिल्ली की इस तरह की हालत होती है। अमूमन इस साल हुआ ये है कि पानी इतना ज्यादा, क्योंकि हिमाचल और हरियाणा में बहुत ज्यादा, उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश हुई है उसका पानी भी है, लेकिन स्थानीय प्रशासन यानी कि दिल्ली की संस्थाओं ने, दिल्ली की सरकार ने अपनी तरफ से मानसून की तैयारियां क्या की थी, इस पर भी सवाल है। दिल्ली उन इलाकों में जहाँ पर दिल्ली डूबी हुई है, चाहे वो लाठी इलाका हो या फिर नॉर्थ कैंपस हो जहाँ बच्चे हॉस्टल्स जमा है, या फिर वो इलाके जहां पर दिल्ली अभी पानी में डूबी हुई है, उनके जो वहां के जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि इस बार वोट मांगने कोई भी पार्टी आए हम उसे वोट नहीं देंगे, वोट मांगने कोई भी पार्टी आए हम उसे वोट नहीं देंगे, दिल्ली के लोग कह रहे हैं। मुझे लगता है दिल्ली के लोगों का अधिकार है और एक हर जनता का अधिकार है कि वो वोट देने का निर्णय स्वयं ले, और ये अच्छी बात है लोकतंत्र। लेकिन जिस कदर आम आदमी पार्टी के नेता हर बार हरियाणा कहते हैं, उनके आप टैगलाइन में देख रहे होंगे पंजाब अब गायब है, पहले पंजाब भी वो जोड़ते थे, जब पोल्यूशन बढ़ता था तो कहते थे पंजाब में बदली जल रही है तो यहाँ पोल्यूशन हो रहा है, अब क्योंकि उनकी सरकार वहां है तो वहां सब सही है। इसी प्रकार ये दोषारोपण की राजनीति इनकी लक्षण और नियत में घुस चुका है। दोषारोपण की दोष देना प्रधान मुख्यमंत्री का बहुत पुराना काम है, लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी है, दिल्ली डूब रही है, राहुल गांधी को तो आना चाहिए, राहुल प्रियंका आना चाहिए ना, हम भी कह रहे हैं आना चाहिए, सबको आना चाहिए सड़क के ऊपर जो दिल्ली के अंदर रहता है। अब बताना चाहिए दिल्ली की जनता को, आके इन लोगों को जो फ्रॉड करते हैं, धोखा देते हैं, जो धोखा दे रहे हैं, जिस तरीके से हमने देखा तड़ी पार भी, इसी तड़ी पार को हमने देखा कि तड़ी पार किस तरीके से आज बरकरार है, वही तड़ी पार जो एनडीआरएफ को लेकर जिन्होंने नट खोलने में 48 घंटे लगा दिए एक चार नट खोलने के लिए, ये भाजपा का चरित्र है। जेल जाने वाले हैं राहुल गांधी, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल है, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस हुई जेल जाएंगे, और वैसे भी ये 50,000 करोड़ के फ्रॉड के मामले में के चमत्कारी लोग ये तक लोग ये पहले बोले जो बलात्कारियों के सामने, अरे बोले ये वो लोग बलात्कारी बोली जो बलात्कारियों के सामने, देखिए राहुल गांधी, देखिए बलात्कारियों के कुछ नेता ऐसे होते हैं, बोलिए बोलेंगे कुछ नेता बोलेंगे, जेल जाएंगे, जेल जाएंगे, बोलिए ना, आम आदमी पार्टी, आम आदमी, दिल्ली की जनता को चाहिए अभी रिलीफ, और दिल्ली की जनता के लिए जो रिलीफ का काम कर रहे हैं वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। सबसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, अगर ईस्टर्न कैनाल में, वेस्टर्न कैनाल के अंदर अगर 13 तारीख से पहले पानी छोड़ा जाता तो दिल्ली ये के हालात जो बने वो नहीं बनता।
एक क्लासरूम में एक हमेशा ऐसा स्टूडेंट होता है जो हर बार फेल होने पे कहता है क्वेश्चन में गड़बड़ी थी, आज टाइमिंग गड़बड़ी थी। कभी अपने ऊपर दोष नहीं लेते हैं कि मेरे मैनेजमेंट में गड़बड़ी थी, मेरी मैनेजमेंट फेल है, इसके कारण दिल्ली डूब रही है। जैन से पूछिए कि हर समय दूसरे पे इल्जाम कब तक लगाएंगे, आप मुख्यमंत्री हैं करेंगे कोई। देखिए दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेवारियों से भागी नहीं है, इसीलिए आज दिल्ली की जनता, आज दिल्ली की जनता ने देखा कि आज रोड पे एक मेंबर पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी अगर आ रही है तो सिर्फ यहाँ पे विरोध करने के लिए आ रही है। तो ऐसे हालात के अंदर, इस ऐसे हालात के अंदर आम आदमी पार्टी अपनी दिल्ली की जनता के साथ मिलकर इस आपदा से बाहर निकल कर आ रही है, और बहुत जल्दी आप देखेंगे दो दिन के अंदर जनता भी है। क्या मुझे कैमरा मनीष को कहूंगी, मैं एक बार दिखाइए कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दो साल से केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, खाली बातों बस, और कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, और खाली फ्री के चक्कर में जनता वोट दे रही है। केजरीवाल ने दिल्ली को नरक बना दिया है, कुछ भी नहीं किया, कोई क्या हाल हुआ वो देख लो। आ रहते हैं हम गीतक कॉलोनी में रहते हैं, हाँ गीतक कॉलोनी में रहते हैं हम, वहाँ वहाँ पर भी पानी में डूबा है क्या? जा रहे हैं केजरीवाल ने खाली झूठ बोला, जनता को मूर्ख बनाया है, उसकी कुछ बस की नहीं। केजरीवाल ने झूठ बोला है, जनता को मूर्ख बनाया है, ये आम लोग हैं, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं है जो सवाल उठा रहे हैं। गीता कॉलोनी में रहते हैं, परेशान हैं, इसीलिए कह रहे हैं केजरीवाल के जो मूर्ख बनाए। देश की जनता डूब रही है, और देश के प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा में कोई चेंज नहीं किया, वो फ्रांस चले गए, वहाँ तालियां बजा रहे हैं। कुल मिला के देश के एक साजिश के तहत दिल्ली की जनता ने आज ये दिन देखा है, लेकिन साजिश, अब मैं साजिश का आरोप लगाना केजरीवाल जी का काम है। साजिश देश के साथ ये है कि विकास के लिए पैसे नहीं है, अखबारों में विज्ञापन देने के लिए पैसे हैं, जिसका नतीजा ये है कि 9 साल में दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम नहीं बन पाया। अरे पानी भरा है, पानी कहीं से भी आया, ऊपर से आया, नीचे से आया, लेकिन इस पानी को इस पुल पे यमुना है, 500 मीटर पे प्रीति जी यमुना है, उस पानी में यहाँ से पानी नहीं जा पा रहा। क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम है नहीं। उसके बाद समझ लीजिए ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। बिना विभाग का मुख्यमंत्री कुछ काम नहीं करना चाहता, आरोप लगाना चाहता है। देखिए अरे मुकुंदपुर में मौत भी हुई है बाढ़ से, क्या देखिए जो भी दुर्घटना से किन्हीं का भी देहांत हुआ तो पहले श्रद्धांजलि है, लेकिन प्रीति जी एक चीज समझिए, आज जो भी जनता आपके चैनल को देख रही होगी, ये हर जब भी प्रधानमंत्री विदेश जाएंगे कह देंगे आज यहाँ ये हो रहा है, यहाँ हो रहा है, एक रिटायर्ड सिस्टम, आप उस सिस्टम को तो नहीं नकार सकते। मुख्यमंत्री है, सांसद है, पार्षद है, वो हर काम छोड़ के क्या प्रधानमंत्री को ऐसे देखेंगे? ये कल्चर ला रहे हैं आप। दूसरी बात, अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकते केजरीवाल, और ये सत्य है प्रीति जी कि इनको अगर दंगे की ही बात करेंगे तो बंगाल का दंगा इनको नहीं दिखता, केवल मणिपुर दिखता है। ये वहीं पे पॉइंट आउट करते हैं जहां भाजपा को कोसने का मौका, लेकिन अभी समय नहीं है। ये क्या राजनीति कौन कर रहा है? दिल्ली को लेकर राजनीति जी, आपका क्वेश्चन है हमारे आरएसएस का है कि राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रनीति भाव से आप मदद करें लोगों का। हम आम आदमी पार्टी से भी रिक्वेस्ट करते हैं, मांगिए आप जो मॉडल पे मांगना है, हम आपके साथ हैं, लेकिन इस बात को भी स्वीकारिए कि आपसे गड़बड़ियां हुई है, आप इससे नहीं भाग सकते सर, लेकिन ये मौका है हाथ में हाथ मिलाकर कदम में कदम मिलाकर। कौन बोल रहे हैं, बता रहे हैं किस तरीके से दोनों ने मिलकर पॉल्यूशन के नाम पे लूटा, पॉल्यूशन के कहां कांग्रेस है, कांग्रेस साथ है, कांग्रेस के साथ है हम। अब सुनिए पहले, जिन दोनों भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर पॉल्यूशन के नाम पे दिल्ली की जनता को लूटा, 15 साल की गाड़ी कर दी, 10 साल की गाड़ी कर दी, और आज तक पॉल्यूशन के अंदर 6 सालों की कमी नहीं आई है। ये वो लोग है जो उद्योगपति के साथ खड़े हुए, दिल्ली की जनता पे कोई काम नहीं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से बहुत शांति से सवाल और जवाब होने, यमुना साफ क्यों नहीं हो रही, होने चाहिए। आप एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड तो इस्तीफा देके चलेंगे। बहुत 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 आराम से, बहुत आराम से। ब्रिटिश कहा जाता है कि ये जो पूरा लुटियंस का इलाका है, ब्रिटिशर्स के काल में ही इसे सबको डेवलप किया गया था, बनाया गया था, ड्रेनेज सिस्टम तक मरम्मत करने का काम, और किस तरीके से इस इलाके को इस पूरी मुसीबत से, क्योंकि दिल्ली ये सेंटर इलाका है, अगर ये पानी के चपेट में आती है, बाढ़ के चपेट में आती है, तो सवाल निश्चित तौर पर सरकार पर उठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि आज इतनी बारिश जो 41 साल का रिकॉर्ड टूटा, 45 साल का रिकॉर्ड टूटा, जिस तरीके से वहां से पानी छोड़ा गया,
आज 1978 से 3 मीटर ऊपर पानी गया है, उसके बावजूद दिल्ली के यमुना की तलैटी में, यमुना की तलैटी के अंदर जो बस्तियां थी वहां तक पानी को रोका गया। ये मैनेजमेंट है अरविंद केजरीवाल जी की। और देखिए लुटियन जोन के अंदर कितने बड़े बड़े घड़े हुए, इंडिया गेट के अंदर जिस तरीके विस्टा का जो विस्टा इनका एक बड़ा प्रोजेक्ट था उसके अंदर कितने बड़े बड़े घड़े हो गए। कुल यमुना में पानी हाईवेज बह गए, यमुना गंदी। नवीन भटनागर पूर्व डीआईजी एनडीआरएफ के, एक बार उनसे भी सवाल ले लेते हैं, कुछ टेक्निकल सवाल हैं जिनके जवाब जानने बहुत जरूरी हैं। नवीन भटनागर जी, नवीन कुमार भटनागर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नवीन कुमार भटनागर जी, आवाज आ रही है? बताइए, वो तुम्हारे साथ रहेंगे। नवीन कुमार भटनागर, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है मेरे पास? चलिए, लग रहा है हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। ऋषभ जी, सिर्फ चिल्लम चिल्ली से कुछ नहीं होगा, समाधान किसी न किसी को तो देना ही पड़ेगा। चांद पर जाने की हम बात करते हैं और अभी भी हमारा स्मार्ट सिटी स्मार्ट नहीं बन पाया। प्रीति जी देखिए, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, चिल्लम चिल्ली से सॉल्यूशन नहीं निकलता, लेकिन केजरीवाल जी रोंदू बच्चा की तरह बिहेव तो ना करें। हर समय कुछ और रोना शुरू कर देते हैं। रोंदू बच्चा, मैं बच्चा बोल रहा हूँ, रोंदू बच्चा का बिहेवियर बता रहा हूँ। कोई गलत अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज नहीं किया हूं मैं, इतना संस्कार मेरे अंदर है। जो असेंबली में खड़ा होकर वही केजरीवाल जी हैं जो मोदी को तू तड़ाक करते हैं, उतना में गंभीरता है कि उनके तरह संस्कार नहीं गिराया अपना। दूसरी बात, केजरीवाल जी को यह समझना होगा कि आप एक मुख्यमंत्री हैं, आपको ताल मिलाकर सरकार चलाने की जिम्मेदारी आपको आनी चाहिए। अगर मोदी जी आज के डेट में ये बोल दे मेरा पूरा विदेश साथ नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं, हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, लेकिन नहीं, उनको आता है कि ताल मिलाकर बैठा के देश को उन्नति की ओर कैसे ले जाए। उसी प्रकार केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब का ईगो को छोड़कर दिल्ली को संभालना पहले सोचना, दिल्ली को संभालना। देखिए होना क्या चाहिए, अगर इनके पास सरकार है, पूर्ण बहुमत है, पूर्ण मतलब संपूर्ण बहुमत है, इन्हें दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम पर काम करना चाहिए था। उसका पायलट भी तैयार नहीं है, ड्राफ्ट रिपोर्ट भी नहीं है, और लग गए कहां, शराब के घोटाले में। अब मुख्यमंत्री इनके उप मुख्यमंत्री जेल में आ गए, अब ये चिल्लारे में बौखला गए हैं। अब कैसे भी करके विपक्ष का सहयोग लेना चाहते हैं ताकि इज्जत बचे। अब परेशानी यह, हमें तो ऐसा लगता है कि कहीं इस पूरे शराब घोटाले में कहीं मुख्यमंत्री का भी रोल ना हो, इस डर की वजह से वो विपक्ष को एक करने में जुटे हुए हैं। और शायद यही एक वजह है कि वो राहुल गांधी के चरण चुंबन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आसिफ जी, गठबंधन की बात आती है, विकास की बात आती है, गठबंधन की जब भी बात आती है तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये कहती है कि गठबंधन की सरकार बनाकर हम विकास करेंगे। इस दिल्ली की आपदा में ही गठबंधन नहीं हो पा रहा है, अब गठबंधन विकास 2024 की बात कैसे? देखो गठबंधन एक अलग चीज है, ये जो मामला है आपदा का, इस पे तमाम लोग इकट्ठे होकर करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हमने कहा ना, कल मुख्यमंत्री और गवर्नर को साथ देखा, इस तरीके से अगर ये 10 दिन 12 दिन पहले जब आने से पहले का काम कर लेते तो ये दिक्कत महसूस नहीं होती। ये गलबलियां जो चलती है ना भाजपा की और आम आदमी पार्टी की, ये गलबलियां नजर नहीं आती। किस तरीके से हर चीज का अध्यादेश का सपोर्ट केजरीवाल जी करते हैं, भाजपा के साथ रहते हैं हर चीज के अंदर, कोई भी चीज भाजपा के खिलाफ बोलते हैं डर लगता है। तो इसलिए आज विकास की बात हो रही है, विकास मॉडल इनका खत्म हो चुका है। 9 साल के अंदर भाजपा का विकास हमने देख लिया, गठबंधन भाजपा का हमने देख लिया, किस तरह गठबंधन है। हर तो कांग्रेस पार्टी की भी जिम्मेदारी है, मना कब करें, हमारी जिम्मेदारी, लेकिन हमारी जिम्मेदारी के साथ हम ये काम नहीं करते कि हम किसी पार्टी को साथ लाए और उसका छूरा घोपे भाई भतीजे को, तमाम पार्टियों को अलग कर दे, सबके छूरा घोप अलग कर दे। और जो 27 तारीख को देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे अजीत पवार बरसता है और उन्हीं से घरे मिलके, वही मंत्रालय कल वोट मांगने कैसे जाएगी आम आदमी पार्टी, वोट मांगने कैसे जाएगी, वोट मांग बीच में एक मिनट ना बोले। अरविंद केजरीवाल जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने लोगों के कष्ट के लिए उनके साथ खड़े हैं। वो हवाई यात्राएं नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे देशों में नहीं घूम रहे हैं, वो दिल्ली की जनता के कष्ट में खड़े हैं। दोस्त, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे बोलें, आप एक्सपर्ट के नाम पे ना बोलें। वोट मांगने जाएगी आम आदमी पार्टी। एक सेकंड, बहुत जिम्मेदारी वाला सवाल है, प्लीज पूछ लिया करो, आप सवाल तैयार कर लो। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज बताना चाहता हूं, वोट मांगने जाएगी ना आपकी पार्टी, गुस्से में कैसे वोट मांगोगे? यस, बिल्कुल गुस्से में, लेकिन गुस्से में किसके खिलाफ है? इस साजिश के, ये प्रायोजित बाढ़ है भारतीय जनता पार्टी वालों की। ये कोई बारिश की बाढ़ नहीं है, पिछले 6 दिन से एक बूंद भी बारिश नहीं आई है, उसके बावजूद बाढ़ आ रही है। ये बाढ़ इसलिए आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हरियाणा के अंदर एक साजिश की है, हरियाणा के मुख्यमंत्री 4 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री से मिलने आते हैं,
क्या साजिश रची गई थी ये दिल्ली की जनता ने देख लिया है। 5 बैराज जो हरियाणा गवर्नमेंट के पास थे वो जाम हुए हैं। हथनीकुंड बैराज है, उस हथनीकुंड बैराज से अब पानी कैसे छोड़ दिया, मैं जानना चाहता हूँ। आपने पहले वो पानी ईस्टर्न कैनाल में ठीक है प्रवक्ता कांग्रेस बीजेपी प्रीति जी देखिए इनकी दशा क्या है कि मीठा मीठा मेरा और तीता तीता तेरा, जब कोई विकास होगा तो वो केजरीवाल जी ने कर दिया, उस समय कोई नहीं रोक रहा, लेकिन जब ऐसा कुछ होता है आपदा तो वो मोदी जी करा रहे हैं। अरे आसपास जितनी जनता पार हो रही है वो क्या शब्द बोल रही है वो तो मैं टीवी पे नहीं बोल सकता, उसी जग जाहिर है कि केजरीवाल जी के प्रति जनता के दिल और दिमाग दोनों में आक्रोश है। प्रीति जी विषय बेशक राजनीति का नहीं है, लेकिन हमें यह चीज समझना होगा कि हम अब किस नेतृत्व में जा रहे हैं जो केवल आरोप लगाए। अरे अभी भी उस ओछी राजनीति से ऊपर राजनीतिक विश्लेषक एक तरफ आप जनमिलनी बताइए क्या दिक्कत। देखिए सच्चाई ये है कि ये जो बारिश का पानी जमा होने की जो प्रॉब्लम है दिल्ली में आज से नहीं है, पिछले 20 सालों से ये पानी बाहर से आया, एक सेकंड बोल लो, कहीं से भी आया हो, कहीं से भी आया हो, हथनीकुंड से आया पानी, हथनीकुंड से आया लेकिन दिल्ली में स्टक हो गया। अगर देखिए यहाँ स्टक आगे स्टक नहीं है, हम इंडिपेंडेंटली व्यू करते हैं, इसका मतलब है कि दिल्ली के स्ट्रक्चर में गड़बड़ी है, फ्लोर लेवल ठीक नहीं है। अगर हमें फ्लोर लेवल ठीक करना है तो हमें इसके ड्रेनेज सिस्टम को बनाना होगा। अब उसके लिए पैसे हैं नहीं है, सरकार कौन है ये हमें भूल जाना चाहिए। क्या इसके पायलट प्रोजेक्ट पर बात हुई? दरअसल भाजपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी की बात नहीं है, बात यह है कि इसके फ्लोर लेवल को सेट करने की चर्चा कभी भी नहीं हुई, किसी भी राजनीतिक दल ने ये डिस्कस नहीं किया। मदन लाल खुराना भी मुख्यमंत्री रहे और आपकी शीला दीक्षित मुख्यमंत्री नहीं, और शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार की बात करके अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, पर इनमें से किसी ने आज तक डिस्कशन भी नहीं किया। किसी भी सरकार ने कोशिश क्यों नहीं की? आम आदमी पार्टी से पहले शीला दीक्षित की भी सरकार रही है, कोशिश क्यों नहीं की गई कि ये चुनौती कभी दिल्ली के सामने राष्ट्रीय राजधानी के सामने तो ना आए? देखिए ये जो आज हालात है हम पहली बार देख रहे हैं, पहली बार ये हालात इस पानी जमा हुआ निकल गया। आज पानी निकल क्यों नहीं रहा है? आज मिंटो ब्रिज पे जब पानी जमा हुआ, जब भाजपा का कार्यालय जमा हुआ, पानी कहां तक आ गया था देखा है? किस तरीके से भाजपा के लोगों ने अपने कार्यालय के पीछे नाला बंद करा दिया गया था तमाम टीवी के ऊपर, ये भाजपा के लोग बोलेंगे, भाजपा के सपोर्टर लोग बोलेंगे? भाजपा ने और दोनों ने मिलकर जो विकास का चोला पहन के, आम आदमी ने मिलकर जो विकास का चोले की आड़ ने मिलकर जो काम किया है वो सबके सामने है। उन तमाम लोगों ने डर लगता को, भाजपा के लोगों को डर लगता है, उन लोगों को जो बलात्कारी के लिए मां निकालते में दिक्कत होती है, पीरज भूषण बोलते हैं बी बोलने में, बी घर में बैठ जाता है, ये भूल जाते हैं ये मणिपुर के हत्यारों के लोग, मणिपुर के हत्यारों के लोग जो आरएसएस की कहते हैं मदद करते हैं, एक आरएसएस का आदमी मणिपुर में खड़ा नहीं हुआ जब भाजपा की सरकार भूल गए। मणिपुर में महिला को झोंक देते थे, महिला को तंदूर में झोंकने वाले रोमेश गुप्ता, रोमेश शर्मा, ये कांग्रेस के फिर से ठीक है। आप तमाम लोग ठीक है, राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी बात कर रही हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि तकरीबन 100 दिन हो गए हैं दिल्ली लगातार जिस तरीके से ये जूझ रही है, 100 घंटे हो गए, माफ कीजिएगा 100 दिन नहीं हुए, 100 घंटे हो गए हैं दिल्ली पानी से जूझ रही है। अभी भी यमुना का जो जल स्तर है थोड़ा सा कम तो हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जल स्तर कम होने के साथ साथ जो मेन इलाके हैं जहां पर पानी अभी भी जमा, जल का जमाव है, पानी का जमाव है, वो कम होता नज़र नहीं आ रहा है। हम जहां पर खड़े हैं ये दिल्ली का सेंटर पॉइंट है, ITO इसे कहा जाता है, और साथ ही यहाँ आस पास चारों तरफ बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, जिससे आप देखिए हम मेरे लेफ्ट हैंड में इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है, साथ ही राइट हैंड में GST की बड़ी सी बिल्डिंग है, दिल्ली क्वार्टर पहले यही हुआ करता था पुलिस का, उसके साथ ही यही पास में बीजेपी मुख्यालय भी है, आम आदमी पार्टी का मुख्यालय भी है। भर जाना पूरी दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी है, लोग दिल्ली की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि ये स्मार्ट सिटी है, लेकिन इस तरह की तस्वीरों को देखकर वाकई बड़ा ही दुख होता है। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 और साथ ही देखना ना भूलिए हमारा प्राइम टाइम डिबेट शो।